दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना में मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में सतर्कता मंत्री आतिशी की खुफिया रिपोर्ट बुधवार को राज्यपाल वीके सक्सेना को भेज दी। आप सूत्रों ने कहा कि केजरीवाल ने उन्हें तत्काल निलंबन के साथ पद से हटाने की सिफारिश की है। साथ ही आतिशी को केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय को रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए हैं। यह घटनाक्रम उस समय सामने आया जब एक दिन पहले आतिशी ने जिन्होंने कुमार के खिलाफ जांच शुरू की थी केजरीवाल को 670 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी थी। सूत्रों ने बताया कि रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि जांच में पाया गया कि नरेश कुमार ने अपने बेटे से जुड़ी कंपनी को 850 करोड़ रुपए का अवैध मुनाफा पहुंचाया। अतिरिक्त मुख्य सचिव मंडलायुक्त अश्विनी कुमार ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया जिसमें मुख्य सचिव के खिलाफ सभी आरोपों को झूठा और निराधार बताया गया जिससे आतिशी बुरी तरह फंस गई है। वहीं आपको बता दें ये वही अधिकारी है जिसने केजरीवाल के कई बड़े बड़े घोटालों की पोल खोली है। आतिशी के 650 पेज की रिपोर्ट पर दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है जिससे केजरीवाल और आतिशी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। नरेश कुमार ने कहा कि क्या किसी ने मंत्री की 650 पन्नों की रिपोर्ट पढ़ी है, खासतौर पर जब मुख्य सचिव ने पिछले साल यानी 2020 में ही ज्वाइन किया है, तो ऐसे में आरोप किस आधार पर लगाए गए, रिपोर्ट की प्रति साझा नहीं की गई है तो कोई किस आधार पर प्रतिक्रिया दे सकता है या रिपोर्ट कर सकता है। इस प्रकार के अपुष्ट तथ्यों को प्रकाशित करना अनुचित एवं सच्ची भावना से परे है। उन्होंने कहा कि यदि भूमि मालिकों ने 2015 में बाजार दर के मात्र 7% पर जमीन खरीदी थी तो 2015 से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री राजस्व, माननीय मंत्री सतर्कता एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा क्या किया गया आज तक क्या ऐसी कथित कम मूल्य वाली बिक्री खरीद में इन व्यक्तियों के कोई हित में थे। उन्होंने कहा मुझे बदनाम करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकारियों सहित निहित स्वार्थों द्वारा की जा रही ऐसी साजिशों की जांच भी सीबीआई ईडी को करने दीजिए जिनके खिलाफ मेरे द्वारा कार्रवाई की गई है जिसमें सेवाओं, पदों से हटाना, निलंबन करना, मामलों को ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस को भेजना शामिल है। उधर चीफ सेक्रेटरी की बचाव में सीनियर आईएएस ऑफिसर अश्विनी कुमार सामने आए हैं। उन्होंने आरोपों से घिरे सचिव नरेश कुमार को एडिशनल सचिव अश्विनी कुमार का साथ मिला है। उन्होंने ऐसे आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताया है। कहा है कि मुख्य सचिव का चरित्र हनन किया जा रहा है जो कि राजनीति से प्रेरित है। अश्विनी कुमार ने मीडिया से बातचीत कर बताया कि नरेश कुमार के ऊपर लगाए गए सारे आरोप गलत है, उनके साथ डर्टी पॉलिटिक्स की जा रही है। अश्विनी कुमार ने कहा था मुख्य सचिव की अनुबंध देने या मध्यस्थता में कोई भूमिका नहीं थी बल्कि उन्होंने कार्रवाई के लिए सक्रिय प्रयास किए, अंततः कार्रवाई हुई। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।